हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत सर्वोत्तम माना गया है। एकादशी व्रत का पुण्य सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। एकादशी व्रत वर्णन पुराणों में भी मिलता है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मोहिनी एकादशी का व्रत व्यक्ति को पाप से भी मुक्ति दिलाता है। अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के दिन दान का भी महत्व है। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद जरूरतमंदों को भोजन कराने से भगवान प्रसन्न होते हैं। मोक्ष की प्राप्ति मोहिनी एकादशी का व्रत व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति में एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, जो उसे निरोग बनाने में सहायक होती है और मानसिक तनाव को दूर करती है। मोहिनी एकादशी की कथा पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन जब हो रहा था तो अमृत कलश के लिए देवताओं और दानवों में घमासान मच गया। विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। इस सुंदर स्त्री का रूप देखकर असुर मोहित हो उठे और अमृत कलश लेकर देवताओं को सारा अमृत पिला दिया। इस प्रकार से देवता अमृत पीकर अमर हो गए। मान्यता है जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था उस दिन वैशाख मास की शुक्ल एकादशी तिथि थी, इसीलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा होती है।